बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कॉफ़ी लवर गर्मी में भी करेंगे अब इंजॉय कॉफ़ी को। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ लगी हूँ शेयर करने बहुत ही मज़े की डिलीशियस यमी यमी चिल्ड कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी रेसिपी को। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही प्रेस कर दें बेल बटन को, ताकि आप इंजॉय करते रहें मज़ीद मेरी आने वाली डिलीशियस सी रेसिपीज़ की वीडियोज़। जी व्यूअर्स, ये मज़े की डिलीशियस यमी यमी कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। 5 to 6 स्पून लिए पानी के, इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 2 साशे कॉफ़ी के। 1 साशे 1 गिलास कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ होता है, आप जितने गिलास बनाना चाहते हैं उतने ही साशे यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करके साइड पर रख देंगे। अब लेंगे 2 कप दूध, चिल्ड दूध लेना है आपने, उसको डालना है मैंने ब्लेंडर में। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 2 स्पून क्रीम, क्रीम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ इसमें ऐड कर दूंगी कॉफ़ी का मिक्सचर और 2 स्पून शुगर। और अब इसमें ऐड करूंगी यमी यमी सी आइसक्रीम, आइसक्रीम आप कोई भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो भी आपको पसंद हो। 2 स्कूप मैं इसमें ऐड करूंगी आइसक्रीम के। और इसके बाद इसको मैं करूंगी ब्लेंड। ब्लेंड आपने इतना करना है कि ये सारी चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ और फ्लफ़ी सा हमारे पास एक बैटर तैयार हो जाए। बस व्यूअर्स, 5 मिनट्स में हो जाएगी हमारी यमी यमी सी कोल्ड कॉफ़ी रेडी। इसके बाद मैं करूँगी गार्निशिंग ग्लास की गार्निशिंग मैं कर रही हूँ जी चॉकलेट सिरप के साथ। चॉकलेट सिरप ये अवेलेबल है तो उसके साथ कर ले, या चॉकलेट साथ वैसे कर ले, जो भी आपके पास चॉकलेट से रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं जी। तो ग्लासेस में डाले हैं मैंने आइस क्यूब्स, और इसके ऊपर डाल दूँगी मैं कॉफ़ी का बैटर जो मैंने अभी रेडी किया है जी। तो इसके ऊपर मैं ऐड करूंगी कॉफ़ी को ब्लेंड करते हुए जो झाग से बनी थी वो भी हम चम्मच से इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसके ऊपर मैं गार्निशिंग करूंगी आइसक्रीम की, 2 स्कूप आइसक्रीम ऐड करूंगी इसमें, और यमी यमी सी कॉफ़ी हो जाएगी रेडी। व्यूअर्स, आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आपकी कोल्ड कॉफ़ी कैसी बनी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।